साथ मौजूद हैं मिस्टर संजय चौधरी जी, जिनका बिजनेस स्टार्टअप है इंक्यूस्पेस। इसके बारे में विस्तार से जानकारी के लिए हम इनसे बात करते हैं। कृपया बताइए अपने बिजनेस के बारे में, क्या आपका आइडिया है अपने बिजनेस में? हाय, आई एम संजय चौधरी। सो मैं लंदन में रहता हूँ और इंडिया में काफ़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एज वेल एज स्टार्टेड को वर्किंग स्पेस और सपोर्टिंग स्टार्टअप्स थ्रू मेंटरशिप एंड फंडिंग। यहाँ पे इंडिया में जो बहुत सारी चीज़ें हम नोटिस करते हैं कि काफ़ी इनोवेशन लेड स्टार्टअप्स नहीं होते, तो वी आर ट्राइंग टू फोकस कि किस तरह हम इनोवेशन को फोकस करें और ऑल्सो अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें को वर्किंग के थ्रू। हमने 4 सिटी में ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, लखनऊ, इंदौर, जयपुर और गुड़गांव, और हमारा प्लान है 30 सिटीज़ में एक्सपांड करने का। तो उसको लेके हम चाहते हैं कि हम पूरे इंडिया में टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में भी लॉन्च करें और एंटरप्रेन्योर्स नहीं, ना कि सिर्फ दिल्ली से या बैंगलोर से निकले, छोटी सिटीज से भी निकले। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में जब भी कोई अपना नया उद्योग स्टार्ट करता है तो उसको कई तरीके की दिक्कतें आती हैं, खासतौर से फाइनेंस की और खासतौर से उसको बिज़नेस का ऑर्डर मिलने की या जो भी उसका बिज़नेस शुरू किया। बट इनका एक अलग से इन्होंने एक एंटरप्रेन्योरशिप एक नया माध्यम तैयार किया है जिसमें ये खुद तो स्टार्टअप कर ही रहे हैं बट दूसरे जो स्टार्टअप्स हैं जो अपना नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उनको भी एक फंडिंग के थ्रू और अपने नेटवर्क के थ्रू उनका बिज़नेस मॉड्यूल भी आगे बढ़ाने की पूरी सहायता करते हैं। तो ये एक अलग आइडिया है, इसके बारे में और आगे मतलब कहाँ तक आपका एक्सपेंड है? आप लंदन बेस्ड हैं, इंडिया में आप कर रहे हैं, तो इसका क्या एक आपका आइडिया है कि इंडिया में इन्वेस्ट करना बेटर है या बाहर आपको ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी थी, या ये एक देश की एक सेवा भी हो सकती है क्योंकि आप बाहर से होके भी इंडिया में एक इन्वेस्टमेंट अपना कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप बताइए, ये विचार आपके मन में कैसा है? क्योंकि हर कोई आजकल विदेश जाना चाहता है बट आप विदेश से इंडिया में आ रहे हैं। सो मुझे अभी अंदाजन 14 साल हो गए लंदन में रहते रहते, और इंडिया में काम करने का आई थिंक सेवा कोई राइट वर्ड नहीं है। इंस्पिरेशन ज़रूर है कि इंडिया में कुछ अच्छा करना है, क्योंकि काफ़ी गैप्स हमें नज़र आते हैं जो हम वहाँ देखते हैं इन द वेस्ट एंड व्हाट वी सी हियर इन इंडिया। सो आई वांट टू इंश्योर कि मैं कंट्रीब्यूशन करूँ जो एक्सपर्टीज से लेके इन्वेस्टमेंट से लेके और सारा जो मार्गदर्शन होता है थ्रू मेंटरशिप, हाउ वी कैन हेल्प दी स्टार्टअप्स टू बिकम ग्लोबल ब्रांड्स। सो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम ग्लोबल ब्रांड्स बनाएं इंडिया से। इंडिया में किसी से भी बात करता हूँ तो उसको शायद दिल्ली में सबसे अच्छा होना होता है या इंडिया में सबसे अच्छा होना होता, पर हम चाहते हैं कि यहाँ के स्टार्टअप सोचें कि दुनिया में सबसे अच्छा कैसे बने। दैट इज़ आर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, टू इंश्योर द गुड एंड ग्लोबल स्टार्टअप्स कम्स आउट ऑफ इंडिया। सो उसी मुहिम से लेके हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि मैं ये बोलता हूँ हमारी लर्निंग सबके लिए होती है, मेरे लिए भी है। तो मैंने काफ़ी इंडिया को सीखा है लास्ट 1.5-2 साल में जब से बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो जो लर्निंग्स हैं हम इंडिया में कैसे कर सकें, बिकॉज कोई एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का। हम सोच रहे हैं कि किस तरह इंडिया में काम किया जा सके और उसको आगे हम कैसे और बेटर कर सकें एज वी गो अलॉन्ग इन द जर्नी। तो ये थे हमारे पास संजय चौधरी जी, जिनका स्टार्टअप नेम है इंक्यूस्पेस, जो आपको तरह तरह के बिजनेस आपके स्टार्टअप्स को इन्हेंस करने में मदद करता है, जो कि एक अलग तरह का एक इन्वेंशन है, और इसके लिए हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। जो इंडिया के जो नए नए अभी बिजनेस है जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, इस तरह के, इसमें एक ऐसे लोगों की भी ज़रूरत होती है जो उस चीज़ के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, ताकि वो नए जो उद्योगकर्मी जो आ रहे हैं, उद्योग जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनको एक रास्ता मिल सके कि किस तरीके से उन्होंने अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है और इसके लिए हम लॉर्ड बुद्धा टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, ताकि आगे भी इस तरह का काम आप करते रहें। मैं संगपाल सरदार, दिल्ली से, लॉर्ड बुद्धा टीवी के लिए।